दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो बुढ़ापे में भी 25 जैसी जवानी पाना चाहते हैं, जिनकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं, जिनको चेहरे पे ग्लो बिल्कुल नहीं रहती, आंखों के नीचे काले घेरे रहते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, खून की कमी रहती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, ऐसे लोग प्लीज वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। हम पतंजलि का बाबा रामदेव जी का आंवला चूर्ण यूज करने वाले हैं, प्लस आप देख सकते हैं हम स्क्रीन में सौंफ और साथ में मिश्री यूज करने वाले हैं। किस तरह से आपको यूज करना है, इस्तेमाल करना है, उसके बारे में चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो लोग लंबे समय तक जवान बने रहना चाहते हैं ना, बुढ़ापा एकदम पास भी ना आए, किसी भी उम्र में उनको 25 जैसी फीलिंग आए, उनको क्या करना है, सुबह जैसे आप उठते हैं हल्के गाय के गुनगुने दूध के साथ में आपको एक चम्मच सौंफ का और मिश्री इसके बीच में मिला लेनी है। आप देख सकते हैं हमने स्क्रीन में डेली सेवन करना है। अगर आप चाहें साथ में एक चम्मच या फिर डेढ़ चम्मच आंवला चूर्ण भी मिला के पी सकते हैं, लेकिन कभी कभी कई लोगों को दूध के साथ वो जमता नहीं है, तो अगर आपको दूध के साथ आंवला चूर्ण नहीं जमता तो बिना दूध के भी आप पी सकते हैं। चलिए बात करते हैं जिनकी आंखों की रोशनी कमजोर रहती है उसको इसको किस तरह से सेवन करना है। जिनकी आंखों की रोशनी कमजोर रहती है उनको क्या करना है, ये एक चम्मच ले लेना है सौंफ का साथ में मिश्री का, आप देख सकते हैं हमने स्क्रीन में, और इसका आंवला जूस 20 मिलीलीटर एलोवेरा जूस 20 मिलीलीटर के बीच में मिलाकर डेली सेवन करना है, सुबह और शाम को भी खाली पेट खाना खाने से पहले। इसके अलावा जिनको यौन क्षमता की दुर्बलता रहती है ना, किसी भी प्रकार की सेक्सुअल वीकनेस रहती है, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक चम्मच हल्के गुनगुने गाय के दूध के साथ में अगर आप चाहें तो खजूर भी मिला सकते हैं, प्लस आंवला चूर्ण भी मिला सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक किताब की लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और सबसे पहले कमेंट में अगर आपको किसी भी प्रकार की नपुंसकता की प्रॉब्लम रहती है, नाइट फॉल की अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, जिसको हम स्वप्न दोष भी बोलते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपको फ्यूचर में शादी करने के बाद संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम हो सकती है, तो नीचे किताब की लिंक दे दूंगा, आज से हजारों साल पहले लिखी गई है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, तो उसको जरूर जाकर अपने मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ें। नाइटफॉल में आपको क्या क्या खाना चाहिए, कौन कौन से योग प्राणायाम करने चाहिए, कौन कौन सी जड़ी बूटियों का सेवन करना चाहिए, नपुंसकता की प्रॉब्लम में आपको क्या क्या योगा करने चाहिए, प्राणायाम आसन कौन कौन से करने चाहिए, वीर्य जिनका गाढ़ा नहीं बनता उनको क्या क्या खाना चाहिए, सभी लिखा है उस किताब में। तो मस्ट रिकमेंड करूंगा, जिसको इसकी किसी भी प्रकार की समस्या रहती है जरूर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में पढ़ें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।